हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो गुरु में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे प्ले स्टोर में हम अपना जीमेल अकाउंट ऐड नहीं किए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल में कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पाता है और व्हाट्सएप भी डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो चलिए, देरी किस बात का, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र है तो आप सिंपली उसे ओपन कर लें। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद में सिंपली मैं यहाँ पर व्हाट्सअप एपीके डाउनलोड लिख देता हूँ या सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप WhatsApp APK डाउनलोड लिख करके सर्च करते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ तीसरे नंबर वाले लिंक पे क्लिक कर दें। जब ये ओपन हो जाता है तो सिंपली आप इसको डाउनलोड APK वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, सिंपली मैं इसे डाउनलोड पर लगा चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ओके का बटन आता है, सिंपली आप इसे ओके कर दें। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगा। तो जैसे ही जब ये डाउनलोड हो जाता है तो फिर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे WhatsApp डाउनलोड हो चुका है और इसे सिंपली मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में अननोन सोर्स पे टिक नहीं लगा होगा तो आप सिंपली उसे टिक लगा दें, उसके बाद में आप WhatsApp को इंस्टॉल कर लें। तो उसके बाद में हमें WhatsApp को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि WhatsApp ओपन हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में आया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।